तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपका बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो दोस्तों अपने बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक से दोस्तों अपने फोन पे अकाउंट को आप चालू कैसे करेंगे, दोस्तों अपने फोन पे अकाउंट को आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों का बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में उनका अकाउंट है और उनके पास एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है। तो आप केवल बिना एटीएम बिना डेबिट कार्ड के अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और दोस्तों बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, यूपीआई पिन को आप इजीली सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के समय आपको सब कुछ यहाँ पे लाइव करके बताने वाला, लाइव करके दिखा वाले हैं। दोस्तों अगर आपको बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक से अगर आपको फोन पे अकाउंट बनाना चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि गाइस जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों आप कैसे अपने बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक से अपने फोन पे अकाउंट को आप बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, फोन में फोन पे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके फोन में फोन पे ऐप नहीं है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आपको वहां से फोन पे ऐप को अपने फोन में आपको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद में आपको यहां से अपने फोन पे ऐप को जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरीके से ओपन करना है। दोस्तों जैसे आप इस तरीके से ओपन करेंगे तो अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है। दोस्तों अपने जिस मोबाइल नंबर से बनाना चाहे अपने फोन पे अकाउंट को अपने मोबाइल नंबर को इस तरीके से डालना। डालने के बाद में अब आपको प्रोसीड पे क्लिक करना। प्रोसीड पे जैसे क्लिक कर देंगे तो इस तरह पे कह रहा है एंटर योर 4 डिजिट पासवर्ड। दोस्तों अगर आपको पासवर्ड पता है तो अपना पासवर्ड आप डाल सकते हैं, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो आपको फॉरगेट पासवर्ड ट्राई अनदर वे पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड भी जैसे क्लिक कर देंगे तो लॉगिन विद ओटीपी क्लिक करना। उसके बाद में आप जो नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसके बाद में आपको जो ओटीपी आप इस तरीके से सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद में अब आपका जो फोन पे अकाउंट है सक्सेसफुली बन चुका, सक्सेसफुल इस तरीके से आपका जो फोन पे अकाउंट है क्रिएट हो चुका। जब दोस्तों आपका फोन पे अकाउंट इस तरीके से सक्सेसफुली बन जाएगा, सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो दोस्तों अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक अकाउंट को ऐड करना है और दोस्तों आपको यूपीआई पिन को सेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप कैसे करेंगे, सिंपली दोस्तों आपको चेक बैलेंस पे क्लिक करना है। चेक बैलेंस पे जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा यूपीआई अकाउंट और यहाँ पे दोस्तों कह रहा है ऐड बैंक अकाउंट का। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा। तो आपको ऐड बैंक पे क्लिक करना, ऐड बैंक पे जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ढेर सारे बैंक का लिस्ट इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपका जो बैंक है अपने बैंक का नाम इस तरीके से आपको सर्च बार पे क्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से। दोस्तों मेरा जो बैंक है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, तो दोस्तों आपको इस तरीके से सर्च करना पड़ेगा बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पे दोस्तों बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक यहाँ पे इस तरीके से ओपन होकर के आ चुका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों आपका कोई भी बैंक होगा तो अपने बैंक पे इस तरीके से क्लिक करना। इस बैंक पे जैसे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से एक छोटा सा वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपको जो बैंक अकाउंट है आपके फोन पे ऐप से इस तरीके से लिंक हो जाएगा, इस तरीके से ऐड हो जाएगा अकाउंट एडेड सक्सेसफुली बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक और यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम लिंक कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों रीसेट का ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ यूपीआई पिन का ऑप्शन आएगा। तो अभी रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, हम रीसेट पे क्लिक करेंगे। रीसेट पे जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर। तो दोस्तों अगर आपके पास एटीएम डेबिट कार्ड है तो अपने एटीएम डेबिट कार्ड का नंबर डाल करके अपने यूपीआई पिन को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन हो रहा है दोस्तों ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कह रहा है सेट यहाँ पे यूपीआई पिन, तो आपको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप इसे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोस्तों अपना आधार कार्ड नंबर डाल करके अपने यूपीआई पिन को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा वेरीफाई आधार नंबर और यहां पे कह रहा है एंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ योर आधार नंबर। तो दोस्तों आपके पास जो भी आधार कार्ड है अपने आधार कार्ड का स्टार्टिंग का 6 अक्षर आपको इंटर करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको डालना। डालने के बाद में अब आपको प्रोसीड पे क्लिक करना। प्रोसीड पे जैसे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके आधार कार्ड की तरफ से एक ओटीपी आएगा और आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा। तो दोस्तों आपको अपना आधार ओटीपी एंड दोस्तों अपने बैंक ओटीपी को आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा इस तरीके से। उसके बाद में अब आपके बैंक की तरफ से इस तरीके से ओटीपी आएगा। तो दोस्तों आपको दोनों ओटीपी ऑटोमेटिक इस तरीके से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में अब आपको राइट वाले ऑप्शन क्लिक करना। राइट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन। तो दोस्तों आपको अपने यूपीआई पिन को आपको सेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों। तो आपको 4 अंक का यूपीआई पिन इस तरीके से आपको सेट करना है। उसके बाद में आपको राइट पे क्लिक करना। राइट पे जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ दोस्तों कह रहे हैं कन्फर्म 4 डिजिट यूपीआई पिन। तो आपको एक बार और अपने यूपीआई पिन को इस तरीके से डालना है। डालने के बाद में आपको फिर से दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको राइट पे क्लिक करना। राइट पे जैसे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपका यूपीआई पिन यहाँ पे सक्सेसफुली बन जाएगा, आपका यूपीआई पिन यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट
हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा यूपी ऐप यहाँ पर सक्सेसफुली बन चुका है, उसके बाद में आपको डन पे क्लिक करना, डन पे जैसे क्लिक कर देंगे तो आप दोस्तों इस पर क्लिक करके दोस्तों अपने बैंक का बैलेंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और दोस्तों आप यहाँ से पैसा भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से अगर आपका बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो दोस्तों अपने बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक से दोस्तों अपने फोन पे अकाउंट को आप बना सकते हैं, चालू कर सकते हैं दोस्तों, आधार कार्ड से यूपी ऐप इनको आप इजिली बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको और कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों डायरेक्टली आप मुझसे स्टैंड फेसबुक के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।